समाजवादी लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव का हुआ जोरदार स्वागत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंदोलनकारी छात्रों को भी दिया समर्थन, कहा समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ है। प्रकाशनार्थ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव को बनाए जाने पर इलाहाबाद में प्रथम आगमन पर लखनऊ से लेकर रास्ते भर में जगह जगह पर इलाहाबाद तक जोरदार स्वागत हुआ। इलाहाबाद की सीमा पर पहुंचने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता राघवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सैकड़ों साथियों के साथ स्वागत किया गया। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर पहुंचे और शहीद लाल पद्मधर जी को माल्यार्पण कर उनको याद करते हुए कहा कि इलाहाबाद मेरी कर्म भूमि रही है। एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी दूसरी माँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसकी गोद में रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जी ने अपने 2005 से लेकर 2012 तक छात्र संघ बहाली आंदोलन के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए और कहा कि जब जब निराशा मिली है तब तब शहीद लाल पद्मधर जी को याद करके हम लोगों ने विश्वविद्यालय में संघर्ष किया। शहीद लाल पद्मधर जी को माल्यार्पण करने के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय गए, वहां पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर एक सामान्य कार्यकर्ता जो लगातार संघर्ष कर रहा था समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आने वाले 2024 के चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों को हराकर देश में लोकतंत्र बहाल किया जाए और संविधान को बचाया जाए। आने वाले चुनाव में हम बेरोजगारी महंगाई को लेकर पूरे देश के नौजवानों को एकजुट करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, पीडीए को एकजुट करके इंडिया की सरकार बनाएंगे। इस मौके पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता एवं समाजवादी लोहिया वाहिनी के नी राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र यादव जी ने संघर्ष के दिनों को याद करके सभी छात्रों की तरफ से स्वागत किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि एक संघर्ष करने वाले नौजवान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर और संघर्ष करने वाले नौजवानों को प्रेरित करने का कार्य किए हैं। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश गुप्ता ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान हमेशा देश और प्रदेश के मुद्दे पर लड़ाई लड़ता है। उसी की नतीजा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक गांव गरीब के घर के लड़के को जो लगातार सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता रहता है और कितनी बार लाठियों खाया, जेल हुई, बटबूट से मारा गया, लेकिन कभी हार नहीं माना, झुका नहीं, वो नौजवानों का नेतृत्व करता रहा। उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर हम सभी नौजवानों को एक रास्ता दिखाया है और संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ने की सीख दी है। हम सभी बधाई देते हैं और अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। 2024 चुनाव में आप काम करेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमें ये जिम्मेदारी मिली है कि हम लोग समाजवादी लोहिया वाहिनी संगठन के साथ मिल करके समाजवादी विचारधारा को, लोहिया जी की सोच को, आदरणीय नेताजी का जो जीवन भर का संघर्ष रहा है समाजवादी आंदोलन में, और उसके साथ हम लोगों के नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी जिनकी सोच है, जिनकी विचारधारा, जिनके काम है, जिनकी दूरदर्शी सोच है, उसको ले करके हम लोगों के बीच जाएंगे। ये जिम्मेदारी जो मिली है, इस जिम्मेदारी से हम इसको और बढ़िया ढंग से करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हम सब लोग यही उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इतना जो स्वागत हम लोगों का हुआ है। इसी जगह पर हम लोग विश्वविद्यालय छात्र राजनीति में प्रवेश लिए, विश्वविद्यालय प्रवेश लिए, उसके बाद छात्र राजनीति में गए, तमाम बड़े बड़े आंदोलनों में हम लोग रहे। हमेशा से यहाँ के छात्रों का, नौजवानों का, सबका हम लोग का साथ मिला है, आशीर्वाद मिला है, और आज इतनी बड़ी तादाद में लोग हम लोगों का स्वागत किए कि जो हम लोगों को भावुक कर दिया है। 24 के चुनाव में इसलिए उनका हम सबका धन्यवाद देते हैं। और ये आज स्वागत समारोह हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग दूसरे दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की जो ये अत्याचारी सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरे प्रदेश में हम लोग साइकिल से निकलने का काम करेंगे, और जिसमें पूरा जो हम लोग का साथ है वो यहाँ की आम जनता देगी। 24 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को, जन विरोधी नीतियों को हम लोग लोगों के बीच एक एक जगह पर ले जाएंगे, एक एक तहसील में, ब्लॉक में, एक एक विधानसभा में लेकर जा करके लोगों को बताने काम करें कि इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और इस सरकार की वजह से समाज में फूट पैदा हुई है, समाज में बंटवारा हुआ है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हम समाजवादी लोग ही, और समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा ही एकमात्र विकल्प है इस देश के लिए। यादव का स्वागत हुआ किस लिए हुआ, क्या है?
ये आज देखिए जो हम लोगों के संघर्षों और जेल के साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता भाई अभिषेक यादव जी जो समाजवादी पार्टी के लोहिया वानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, आज इलाहाबाद उनका प्रथम नगरागमन था, जहां इलाहाबाद में नौजवानों ने की सड़कों को जो भरने का काम किया, लाल हरे झंडे से जो बांटने का काम किया, उनका स्वागत बहुत ही जनजोशी के साथ नौजवानों ने किया है। क्योंकि ऐसे जब संघर्षशील नौजवान को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर जोश आता है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वानी बनाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं संदीप यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी शहर उत्तरी विधानसभा इलाहाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के माननीय अभिषेक यादव जी को लोहिया वानी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और इनका इलाहाबाद में हम सब साथ के साथ इनका स्वागत किया गया। और मेरा परिचय अखिल कार्य महानगर सचिव लोहिया वानी प्रयागराज।